और ये पीछे वाला म्यूजिक कौन सा डाला है भाई, कि जैसे लग रहा है कि कोई घोड़े दौड़ रहे और हॉरर वाला सीन है, कौन सा भाई म्यूजिक कौन सा है ये पहले बता के ला, किधर से तू ढूंढ के आया? What's up everybody, that's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये अब मेरे वीडियो में कैसे आया, इंट्रो दे रहे भाई। भाई ये इंट्रो नहीं दे रहे, इसका अभी रोस्ट होने वाले, और कुछ नहीं। ओके तो अभी हम लोग इसी के स्टाइल में स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज का। तो कैसे हैं आप लोग, तो कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बहुत खतरनाक है हम लोग। तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। हाँ भाई सही सोच रहे हैं, तू ऐसे गेटअप में क्यों बैठा है? अभी मैं भी यही गेटअप करके बैठने वाला हूँ। ये रहा गमछा और ये रहा मेरा स्टाइल। अभी ये जैकेट पे गमछा डाल के ना अंड संड प्राणी लग रहे, और कुछ नहीं लग रहे। तो गाइस यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है मुजरों की कम्युनिटी। तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने ट्रैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। आय हाय, ये ऐसा उड़ाते है क्या? हम भी उड़ाएंगे भाई भाई। फिर एक बार करके अपने प्लॉट पे। और ये पीछे वाला म्यूजिक कौन सा डाला है भाई, कि जैसे लग रहा है कि कोई घोड़े दौड़ रहे और हॉरर वाला सीन है, कौन सा भाई म्यूजिक कौन सा है ये पहले बता के ला, किधर से तू ढूंढ के आया? अरे ऐसा म्यूजिक लग रहा है कि वो साउथर्न इंडिया चल रहा है, और पीछे से आएगा वो मुच्छड़ प्राणी और बोलेगा सतर्क रहे सुरक्षित रहे। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। हाय हाय मान लिया तूने, फिर सही है ना, राइट है। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अरे अभी तो सही बोल रहा था, अभी क्या वाहियात वाहियात चल रही है तेरा? अरे मुझे लगा ये भाई आज बहुत अच्छे मूड में है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। भाई ये तो हमारे पीछे क्यों पड़ा है भाई? पर निकाल दिया ना गटर मुंह से, तो आइए शुरू करते हैं। अरे फिर से तेरा गमछा निकल गया, फिर से करके दिखा। तो आइए शुरू करते हैं। सुन लिया मेरी बेटी। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज into 100 हो गया। तो पहले तू गमछा ठीक से कर ले, एक बार बार तेरा गमछा गिर रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, तू गमछा एक तो ठीक करवा के ही ले भाई। क्रिंज into 100, ये किस जगह से सीख के आया भाई? उधर का जगह मेरे को भी पता बता दे, मतलब हमारे फ्यूचर बच्चे के उधर भेजना ही नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। भाई तेरी कॉपी की बात कर रहा है, अबे जा टिकटॉक पे जाके देख, तूने खुद ने है ना एक एक वीडियो पे 3-3, 4-4 बार वीडियो बना चुके हैं। तो क्यों बोल रहे भाई, किसी और ने गाना डाल लिया और उस पे वीडियो बना दो और मुजरा चालू करो, बस यही बात है। अबे 3 कंटेंट की बात कर रहे, 3 कंटेंट बनाने के लिए इतना टाइम जाता है ना तेरे को पता भी नहीं है। वीडियो करो, ये देख फैन बंद करके बैठा हूँ, ये सब गमछा तेरे वजह से डाल के बैठा हूँ, देख कितना पसीना आ रहा है, तेरे को समझता है कि कितना टाइम लगता है उसमें? ऐसा नहीं है मोबाइल चालू रखो, उसके सामने मुजरा करो, बस बात खत्म। रुक तेरे को है ना मैं अभी सबूत ही देते। मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। मैं पर्सनली खुद करता हूँ लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। नहीं और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइज आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। अरे भाई यही तो बोल रहे हैं, क्यों वीडियो बना रहे, अच्छे में ले लेना, तेरे पे अगर वीडियो बना रहे तो फेमस है भाई, फेमस बन रहा है ना हमारे वजह से, तो फेमस और बन रहा है, एक तो फेमस है और बन रहा है, अच्छी बात है ना। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। तो YouTube पे आ रहा है बेटा, YouTube पे आ रहा है, कितने बजे आएगा? आएगा ना कितने बजे आएगा बोल रहा है? मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो। अरे मजदूर, तेरे को कोई मजबूर नहीं कर रहा, तू खुद आ रहा है भाई। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए। हाँ और मुजरा करना चाहिए, सही है ना? और अगर पर्सनली ये वीडियो देख के किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो DM कर देना मेरे को, मैं अच्छे से समझा दूंगा। नहीं तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। अरे बेटी पैसे के पीछे नहीं भागता ना, अभी रुक तेरे को बाद में देखा था। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। एक और पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग।
तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। अरे बेटी क्या बोला था तू पहले, अभी क्या बोला था तेरे को, रुक रुक बोला था ना पैसे के पीछे नहीं भागते, अभी ब्रांड ब्रांड का लाभ गारंट के कौन बोल रहे है, पैसा नहीं कमाता बोलते, हम लोग कमाते बोलते। आप लोग को पता है यार, अपनी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा, तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए और वहाँ पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर, डालना बेटी डाल, तू डाल बेटी डाल। अभी मैं बोलूँ मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी। देख 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 देख, अभी बॉडी शेमिंग का कोई और बोल रहा था कि नहीं ये जो यूट्यूबर्स है बॉडी शेमिंग कर, भाई तू ही अभी कर रहा है ना। हाँ अभी अभी नहीं, अभी चलता है तेरे को, जहर बातें कर रहा है तू। ओए होए बेटी स्ट्राइक में गमछा उड़ा रही है। भाई मेरी बेटी तू एक बात सुन ले ठीक से, कि देख यूट्यूबर जो है ना वो बहुत अच्छे से कंटेंट बना के क्रिएट करके बहुत उसके पीछे मेहनत रहती है। भाई तेरे जैसा नहीं है कि मोबाइल लगा दो उसके सामने मुजरा करो, बस ऐसा काम नहीं है। ओके भाई जाते जाते सिर्फ मैं एक ही बात को बोलना चाहता हूँ तेरे को, कि देख यूट्यूब और टिकटॉक में बहुत सारा फर्क है। जो यूट्यूब वाले है ना उनको वीडियो बनाना पड़ता है, देख मैं रात को अभी 3 बजे वीडियो बना रहा हूँ तेरे ऊपर, रोस्ट कर रहा हूँ देख, और ये सब बातें नहीं है, इसमें कैसे पता है तेरे को, वीडियो बना के उसको कटिंग करके फिर उसमें म्यूजिक डाल के फिर बहुत 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 सारी बातें रहती है यार, और अच्छा कंटेंट भी देना होता है तभी सामने वाला देखता है। तुम लोग क्या कुछ भी डालो यार, है करके डालो फिर भी आपका फेमस ही हो जाता है। भाई सुबह के 3 बज चुके, सुबह के 3 बज के मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ समझा, तो ये होती है मेहनत, तो इसके वजह से 2-3 वीडियो आते हैं मंथ में। तो भाई तू समझ ले कि तेरे को 15 सेकंड की वीडियो बनाना ये मेहनत लगता है, या फिर ऐसा बैठ के 3-3 बजे रात को ये मेहनत तेरे को लगता है। तो लास्ट में सिर्फ यही बोलूंगा कि हेट किसी को फैलाना नहीं है, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे होगा तो लाइक मारो, आज का ये रोस्टिंग वीडियो था स्पेशली ये टिकटॉकर्स के ऊपर, तो आपको अगर सीरियसली अच्छा लगा होगा तो लाइक तो मार के जाना बनता ही यार, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो करके ही जाओ भाई। तो आज का ये रोस्टिंग हम लोग इधर खत्म करते हैं, सी यू।